हे गाइस, आइए मेरे साथ, आज दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा है ना हमारा नैनीताल। हम पहुँचे जागेश्वर और मैं दिखा रही हूँ आपको सारे मंदिर। देखिए, हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। तो आप आज कहीं जा रही हूँ, सो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पीछे देख सकते हैं कितनी हरियाली है आगे पीछे। तो मौसम आप देख लीजिए, इतना मतलब काले काले बादल ऊपर छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। आपको बताया मैंने, नैनीताल की बारिश का ना कोई पता नहीं होता कि कब और कितने मिनट में हो जाए। अभी साफ और फिर हो जाए, बोला ना मैंने, हल्की हल्की बूंद आने लग गई है। तो प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एक स्वेटर पहनने की ज़रूरत है, इतना मतलब ठंड है अभी। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको नैनीताल, ठीक है? ऊपर को दिखाती हूँ एक बार, पीछे देख रहे हो ना कितना प्यारा 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 व्यू आ रहा है, हरा भरा पूरा का पूरा। ये देखिए, अब दिखाती हूँ आपको उस पूरी साइड को आगे कैसा लग रहा है। वो जो आप लोग देख रहे हैं ना उधर साइड को, तो हल्द्वानी वाला रास्ता है और नदी टाइप की भी दिख रही है, क्योंकि नदी उफान पे है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश ही बारिश हो रही है। और इस तरीके से देखिए पहाड़ी पहाड़ आप ये देखिए दिख रहे हैं ना। और उसके बाद आता है नीचे, मैं अपना गांव दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी मैं नीचे से ही आ रही हूँ, ये खड़ंजा है, ये देखिए सामने वाला गांव भी कितना हरा भरा साफ साफ। और उधर साइड को नैनीताल है पीछे को, ये देखो। रास्ते में चल रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, वो देखिए बादल कितने काले काले लगे हुए हैं और हरा भरा कितना प्यारा लग रहा है जंगल देखना। और ऊपर देख सकते हो आप, इतने काले काले बादल लगे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है ख़तरनाक वाली, क्योंकि अभी 2-3 हफ्ते लगातार बारिश है, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे का रेस्ट होने के बाद बस बारिश ही बारिश है। ये देखिए, चलिए फिर ऊपर को चलते हैं। ये हैं हमारे पहाड़ों के रास्ते, टेढ़े मेढ़े ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे। मैं आपको रेडार के साइड दिखा रही हूँ नैनीताल में ऊपर, और आपको दिख रही है एक वो भी बह रही है हल्की हल्की नदी टाइप की, आप देख सकते झरना हल्का सा। और इधर भी बह रहा है पर ये प्रॉपर आ नहीं पा रहा है कैमरे में। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा, पूरा का पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी गाँव की कुलदेवी का मंदिर, आप देख सकते उधर कितने प्यार से सजा रखा है तुलसी माता का वो। और ये रहा, ये हमारे गांव की कुलदेवी का मंदिर। और देसी मैं देसी पकड़ चल 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 चलो आराम से करना, आराम से देखना। ओ नारे, क्या कर रहा है? जागे सो जाते समय रास्ता कहां वालों हो तहां चाय जागे सुर को जाते समय रास्ते में बारिश ही बारिश, और हम सफर में यहीं पे रुके हैं और आप देख सकते हैं। अब यहां से चल गई, हम आए हैं अब झाकड़ साहिब स्टार्टिंग में, और इतना ही दिखाऊंगी आपको। ये मंदिर मुख्य मंदिर है और ये बाबा जी की, और उधर जाएंगे, धुनी जली हुई है आप देख सकते हैं। और ज़्यादा नहीं दिखाते हुए, मुझे चलना पड़ रहा है, देर हो रही है, ठीक है? इतना दिखा रहे, देर हो रही है ना।
तो हम लोग जाकर साइम आए थे तो यहाँ पे ना पेड़ गिरा हुआ है, पापा पेड़ के ऊपर ही खड़े हुए हैं, वहाँ मम्मी लोग गए, हम वापस आ गए और मतलब पाठ करके अब हम चलते हैं। पापा फिर भी वीडियो बना रहे हैं ऊपर से। थोड़ा सा बारिश रुकी है अभी, मौसम बड़ा गंदा मौसम हो। जागेश्वर जाने वाले रास्ता हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर, आप देख सकते हैं बारिश और बंदर ऊपर, और ये देखिए अंदर चलते हैं फिर उसके बाद दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। और इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में पता नहीं था जागेश्वर पहुँच भी जाएंगे क्योंकि बारिश इतनी थी, लग रहा था आधे रास्ते से घोड़ा खा लो के चलो हम घर आ जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है हम पहुँच गए, मुझे खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव। मंदिर मंदिरों के बीच में बस मंदिर ही है और बहुत अच्छा लग रहा है, सच में सपना पूरा हो गया जैसे। वो कहाँ टोकरी कहाँ है, मैंने किसको की। सारे मंदिर घूम लिए अब चलते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हर हर महादेव, 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 महादेव महादेव। बस मंदिर ही मंदिर है, फोन पे भी पानी गिर गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये पूरा ऊपर से दिखा रही हूँ, बारिश इतनी लगी है पूछो मत। हर हर महादेव। तेजस्वी बेंच पे चढ़ के ना नीचे देख रही है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ रही ना। जागेश्वर मंदिर, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है ऐसी दिखा रही हूँ मैं, और इसको देखना। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करके, और उधर आप देख सकते हैं बंदर कैसे बैठे हैं उधर पे, और वो देखिए। बस आप वापस इधर से जाएंगे, और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, एक हफ्ता पूरा हो गया। और आपको जो पेड़ दिखा रही हूँ वो वाला शिव और पार्वती, नीचे से दो हैं लेकिन नीचे से एक है, ऊपर से दो दिख रहे हैं, है वो एक। और हम चल रहे हैं पैदल पैदल, देखो सब लोग मंदिर जा रहे हैं। ये यहाँ पे भी है एक मंदिर। अब क्या होता है, घर को वापस जाते हुए। ये देवदार के पेड़ कितने प्यारे लगे, ये है मजी।